मुरैना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के राकेश मावई ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के रघुराज सिंह कंसाना को हराया। शुरुआत में यहां से बीएसपी के रामप्रकाश राजौरिया आगे चल रहे थे। हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर ने राकेश मावई से बातचीत की। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मावई से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जीत और जीत को किसको श्रेय देते हैं इस जीत का सर? इसका जीत का श्रेय मुरैना विधानसभा की जनता को जाता है। इस जीत का श्रेय आदरणीय कमलनाथ जी को जाता है। इस जीत का श्रेय हमारे मुझे अत्यंत सहयोग किया आदरणीय हमारे रामनिवास रावत जी को जाता है। इस जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पार्टी के लिए कार्य किया और पार्टी को जिताने में उनकी अहम भूमिका रही और जनता ने समर्थन दिया। ये सारा का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जो विकास के मुद्दे हैं जो अब आगे देखने को मिलेंगे जनता को? देखिए, निश्चित तौर पर मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मुरैना शहर में जिस प्रकार से हर गली में धूल उड़ रही है और सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली टूटी पड़ी है सीवर लाइन की वजह से, सबसे पहले इस ये सारी चीज़ें दुरुस्त की जाएगी। शहर को अच्छा सुंदर बनाया जाएगा और शहर में जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाई है, उस व्यवस्था को भी ठीक किया जाएगा। और निश्चित तौर पर उनके बीच में हमेशा मैं रहूँगा, उनका सेवक बनकर रहूँगा और ये मैंने चुनाव के समय कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ। ये थे कांग्रेस से विधायक राकेश मावई, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो अब जनता के सामने विकास और सिर्फ विकास की बात करेंगे और अगर जो हार जीत हुई है वो टिकाऊ और बिकाऊ को लेकर रही है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना।